हेलो जी। हेलो, तो आज हम देख रहे हैं टाइम टेबल फॉर क्लास 11 ह्यूमैनिटीज़, और यह है सीबीएसई बोर्ड के लिए फॉर नाइट आउट्स। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ जी, तो टाइम टेबल है आपके क्लास 11 के लिए ह्यूमैनिटीज़ के लिए, और ये सीबीएसई बोर्ड के लिए है, स्पेशली फॉर नाइट आउट्स के लिए है जो रात भर पढ़ने पर विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले एक बात आपके दिमाग में रट्टा मार लीजिए कि डोंट बी अफ्रेड टू चेंज, यू मे लूज समथिंग गुड बट यू मे गेन समथिंग बेटर। तो इसका मतलब है कि आप चेंज के लिए डरिए मत, आप कुछ अच्छा खो सकते हो, बट आपको जब आप अच्छा खोएंगे तब उस अच्छा खोने के बाद आपको बहुत ही अच्छा कुछ गेन हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप ये सोच लीजिए कि आपका नींद बड़ा नहीं है, आपका गोल बड़ा है, आपको आपके गोल पे फोकस करना है। अगर आप आपके गोल पे फोकस करेंगे तो ही आप कुछ बन पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपका टाइम टेबल झटपट देख लेते हैं। तो देखिए, यू कैन चेंज द टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल। आप जो मैंने अभी आपको टाइम टेबल दिखाऊंगी वो आप आपके स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने टाइम टेबल दिया है कि 7 बजे से आपका स्कूल है, तो आपका स्कूल 8 बजे से भी हो सकता है, उस अकॉर्डिंग आप आपका टाइम टेबल ठीक कर सकते हो। बट ऐसा भी हो सकता है जो मैंने टाइम टेबल दिया है वो बहुत सारे बच्चों का हो भी जाए सेम टू सेम, बट कुछ बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता है, आप आपका ठीक कर लीजिए। देखिए, एग्जांपल भी दिया है मैंने, जैसे कि मैंने 7 बजे दिया है स्कूल का, आपका स्कूल 7:30 बजे से या फिर 8 बजे से भी हो सकता है, तो ये मैटर नहीं करता है, आप आपका टाइम टेबल ठीक से बना लीजिए। मैं आपके लिए एक रफ लाई हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, देखिए, कभी रिग्रेट ना कीजिएगा कि आपका टाइम टेबल पूरा नहीं हो पाया। आपका जो टाइम टेबल है, अगर आपने सोचा था कि 12 से 1 तक पढ़ेंगे, आपका ये नहीं हो पाया, तो ये कुछ नहीं है। ठीक है, टाइम टेबल कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि 365 डेज में आप 365 डेज ही अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल चले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप टाइम टेबल आपका इधर से उधर भी हो सकता है। ठीक है, आप अच्छे मार्क्स बिना टाइम टेबल के भी ला सकते हो। ठीक है, तो देखिए, 100 बच्चे होते हैं, उसमें से 80 बच्चों का ऐसा होता है कि टाइम टेबल ही नहीं होता है, ना उनका शेड्यूल होता है, बट उसमें टॉपर्स भी हो सकते हैं। और 20 बच्चे ऐसे भी निकल सकते हैं जिसका टाइम टेबल हो, उनका शेड्यूल हो, परफेक्ट शेड्यूल भी हो, टाइम टेबल भी हो, और वो बच्चे एवरेज भी हो सकते हैं, तो ये मैटर नहीं करता है। आप रिग्रेट कभी फील मत कीजिए कि आपका टाइम टेबल फिक्स्ड नहीं है, आपका टाइम टेबल ठीक नहीं हो रहा है। इसके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगी, जिनका टाइम टेबल नहीं है वो कैसे पढ़ सकते हैं या नहीं, उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। और तो देखिए, क्लास 11th, तो क्लास 11th में क्या क्या होता है, स्कूल होता है, कोचिंग होता है और सेल्फ स्टडी। तो स्कूल या फिर कॉलेज, तो मैं कॉलेज क्यों बोलती हूँ, कॉलेज बोलती हूँ क्योंकि जो जूनियर कॉलेज होते हैं उसे हम क्लास 11th या 12th को जूनियर कॉलेज बोलते हैं। आई डोंट नो अदर देन आसाम, बाकी स्टेट में भी बोलते हैं या नहीं, बट आसाम में तो बोलते हैं जूनियर कॉलेज 11th और 12th को। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा कोचिंग, फिर आपका सेल्फ स्टडी। तो अकॉर्डिंग टू मी, सबसे मेन कौन सा है, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट आपका कौन सा है? तो सबसे बेस्ट है आपका सेल्फ स्टडी। तो ऐसा नहीं है कि स्कूल और कोचिंग अच्छा नहीं है, बट सेल्फ स्टडी आपका बेस्ट है। ठीक है, ये अभी आपका टाइम टेबल क्या है आप देख लीजिए। मैंने टाइम टेबल रखा है अकॉर्डिंग टू 7 बजे से आपका कॉलेज है, आपका स्कूल है। ठीक है, आप सुबह उठ गए 6 बजे, 6:30 बजे। ऐसा नहीं है कि आप नाइट आउल हो, तो नाइट आउल हो तो आप 11 बजे 10 बजे उठे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नाइट आउल हो तो क्या हुआ, आपको स्कूल जाना है सुबह उठ के, 10 या 11 बजे उठने से नहीं होगा। ठीक है, अगर आपका 7 बजे से स्कूल है, 6:30 बजे उठ के आप रेडी होना स्टार्ट कर दीजिए, 7 बजे से 1 बजे तक स्कूल हो गया आपका, देन फिर आप घर वापस आ गए कितने बजे से, 1 to 1:30 तक। हाफ एन आवर इनाफ है घर आने के लिए, टाइम पास मत कीजिए कि दोस्तों के साथ घूमना है फिरना है बाद में घर चले जाएंगे, नहीं ऐसा मत कीजिए। अगर आप सीरियस है आपके पढ़ाई के लेके तो जल्दी घर आ जाइएगा। फिर आपको ब्रेक दे रही हूँ
1:30 से लेके 4 PM तक आप इस टाइम में क्या कर सकते हो, लंच कर सकते हो, बर्थ ले सकते हो, नैप ले सकते हो। नैप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप नाइट आउस हो, आपको रात को आपका नींद पूरा नहीं हो सकता होता है, तो आप जो नींद पूरा नहीं होता है वो आप दिन में सो के वो आपका कवर कर लो, ठीक है। फिर आपका 4 से 6 तक आपका कोचिंग हो गया 3 घंटे का। फिर आप 6 से 7 आप कुछ भी कर सकते हो, मोबाइल यूज़ करो, इंस्टा करो, यूट्यूब करो, नेटफ्लिक्स देखो, टीवी देखो, जो मन हो आप कर सकते हो। फिर आपका सीरियस आवर्स आ गया, आपको अभी से पढ़ना है, ठीक है। पहला स्टडी आपका कौन सा होगा, 7 बजे से लेके 8:30 तक। इस टाइम में आप क्या करेंगे, आपका होमवर्क करेंगे, यूट्यूब के लेक्चर्स देखेंगे। 1.5 आवर्स का हो गया आपका टाइम। प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट करो, जो है आप कर लो, ठीक है। फिर आपका सेकंड स्टडी कब होगा, 8:30 से लेके 9:30 तक, 1 आवर का। इसके बीच में ब्रेक नहीं दे रही हूँ क्योंकि ब्रेक नहीं चाहिए, क्योंकि आप होमवर्क करोगे, आपका प्रोजेक्ट करोगे, तब आपका मूड चिल होगा। आप कोई भी होमवर्क नहीं करता है सीरियस होकर, मुझे पता है, टॉपर हो या बैकबेंचर हो या एवरेज हो, कोई भी नहीं करता है, ठीक है। फिर आपका 9:30 से 10 बजे तक डिनर, 30 मिनट इनाफ है, और उससे पहले अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा चिलविल कर लो, ठीक है। फिर आपका थर्ड स्टडी का होगा 10 बजे से लेके 11:30 बजे तक, 1.5 आवर्स का, ठीक है। फिर आपका ब्रेक होगा 1/2 आवर का, 1:30 से लेके 12 बजे तक। आप थोड़ा मोबाइल वोबाइल देख लो, टीवी वीवी देख लो, या फिर कुछ भी कर सकते हो, वॉक कर लो थोड़ा बालकनी में जाके, बट बेड पे नहीं सो जाएंगे वरना आप। फिर आपको फोर्थ स्टडी का है अभी 1:30 तक आपका 1/2 आवर का, ठीक है। और फिर आपका ये लास्ट था, और फिर आप सो जाएंगे 1:30 से लेके 6 AM तक, ठीक है। बट ये याद रखिएगा कि देखिए आप, मैं अच्छे से बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, नाइट आउस हो तो ऐसा नहीं करना है, 10 से लेके 11 तक सोना है। अगर आप इतना सोएंगे तो आप स्कूल कब जाएंगे, आप उठ जाइए। अगर आपका 7 बजे तक से स्कूल है तो 6:30 बजे उठ जाइए। मैंने देखा है बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बोला है नाइट आउस हो, रात भर पढ़ लो, 10-11 बजे तक सो जाना, बट आप स्कूल कब जाएंगे। बहुत सारे टाइम टेबल्स मैंने ऐसे देखे हैं कि 10-11 बजे तक नाइट आउस के लिए सोना है, तो स्कूल कब जाएंगे आप लोग। ऐसा नहीं है ना, स्कूल में जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर स्कूल में कुछ करवा भी नहीं रहे तो अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3S क्राइटेरिया, या 3S हमारा है, तो 3S मतलब स्कूल, स्टडी और स्लीप। तो स्कूल हम गए हैं 6 आवर्स का, स्टडी हमने कर लिया 5.5 आवर्स का, और हमने कर लिया स्लीप, हमने किया 5.5 आवर्स का, ये हमने किया रात को, और 2.5 आवर्स का दिन में, तो हो गया 7.5 आवर्स, ठीक है, परफेक्ट। फिर देखो ये आप लोगों के लिए है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू बिगिनिंग, आपके नए जर्नी के लिए, आपका नए टाइम टेबल के साथ बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, आपका स्वागत है इस नए टाइम टेबल के साथ। तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे, और लेट नहीं करना है आपको, और नहीं बोलना है कि कल से शुरू करेंगे, ठीक है। और ये ध्यान में रखो कि ट्राई माई टाइम टेबल फॉर सेकेंड डेज, एंड आपका जो प्रोग्रेस है वो आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए कमेंट सेक्शन में आके, आप मुझे आपका प्रोग्रेस कितना हो रहा है आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो हाँ जी, आज का वीडियो इतना तक ही था, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको कैसा लगा है, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप मेरे नए से नए वीडियो के साथ अपडेटेड रहे। अभी आप बहुत जल्द मैं अर्ली बर्ड्स के लिए, आसाम बोर्ड के लिए टाइम टेबल्स, और आपका जो जिनसे आपका टाइम टेबल फॉलो नहीं होते वो कैसे फॉलो करें, या फिर उनके टाइम टेबल के बिना भी कैसे चल जाए, वो मैं लाऊंगी। तो स्टे सेफ एंड स्टे गुड, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी।